कश्मीर बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना कश्मीर बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना कश्मीर उद्धव साहेब ठाकरे, शिवसेना कश्मीर उद्धव साहेब ठाकरे, मोदी सरकार, 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 हमारी मांगी, हमारी मांगी, हमारी मांगी, हमारी मांगी, हमारी मांगी, हमारी मांगी, शिवसेना जिम्मेदार, जिम्मेदार, शिवसेना की जिम्मेदार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, कश्मीर उद्धव साहब ठाकरे, शिवसेना कश्मीर बाला साहब ठाकरे, शिवसेना कश्मीर बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, शिवसेना की जिम्मेदार, शिवसेना की जिम्मेदार, शिवसेना की जिम्मेदार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। मैं बसंत कुमार खेर, स्पोक्स पर्सन शिवसेना कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग, अपने सूबाई सदर जनाब अब्दुल खालिक भट्ट साहब की रहनुमाई में प्रेस कॉलोनी सगर में आज मीडिया के सामने फिर से रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि हमारे चंद मसाइल हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम बयान करना चाहते हैं प्रेस मीडिया के सामने। सबसे पहला जो हमारा डिमांड है वो पंचों और सरपंचों की है। मोदी सरकार एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि हमने कश्मीर में पंचायती राज लागू किया है, बीडीसी इलेक्शन करवाए हैं, डीडीसी के इलेक्शन करवाए हैं और इसका ढंडूरा इन्होंने अक्वामी मुद्दा तक पहुंचाया है। लेकिन ज़मीनी सतह पर जब नज़र डालते हैं तो पंचों और सरपंचों कहीं सुनवाई नहीं होती है, उनको धक्के देकर दफ्तरों से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी डिमांड हमारी जो है एसपीओज की है, होम गार्ड्स की है, उनको परमानेंट किया जाए, उनकी तनख्वाह टाइम पे वागुजार की जाए और उनके तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए। हम मेन मकसद मुद्दा है वो सिक्योरिटी के बारे में है। हम पिछले 3 साल से सिक्योरिटी के बारे में धक्के खा रहे हैं, हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, हमें सिक्योरिटी नहीं है, हमें दफ्तर नहीं है, हमारे वर्करों को अकोमोडेशन नहीं है, हमारे सूबा सदर साहब को गाड़ी नहीं है। कई बार हमने यहाँ पर आपके सामने आकर प्रोटेस्ट किया कि हमको सिक्योरिटी दी जाए, दफ्तर दिया जाए, जबकि बीजेपी के पास दो दो तीन तीन दफातर हैं, हमारे पास काम काज चलाने के लिए दफ्तर नहीं है। आपके यहाँ जवाहर नगर में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें पड़ी हैं जिनमें हमारा कुत्ते रिहाइश पजीर है, लेकिन शिवसेना को देने के लिए इनके पास कोई दफ्तर नहीं है, देने के लिए अकोमोडेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये बात है हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँची जाए।